19 जुलाई 2021 को सुबह 5:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हमें लाइव क्राउड के सामने WWE का पेपर व्यू मनी इन द बैंक 2021 देखने को मिलेगा। लाइव ऑडियंस के सामने कुछ बड़े सरप्राइजेस WWE लेकर आएगा, पर मनी इन द बैंक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या रोमन रिंग्स एज के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हार जाएंगे? क्या एज रोमन रिंग्स को टैप आउट करवा के अगले यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे? कौन से बड़े सुपरस्टार की हो सकती है रिटर्न? साथ में क्या बॉबी लेशली कोफी किंगस्टन के सामने घुटने टेक देंगे? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश विश्वासिस्ट एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। मनी इन द बैंक 2021 पेपर व्यू के मैच कार्ड की खास बात ये है कि कौन सा सुपरस्टार जीतेगा ये पेपर व्यू से पहले अभी तक सामने नहीं आया, पर एक ऐसा मैच जो लगभग तय है कि कौन जीतेगा और वो है WWE चैंपियनशिप मैच, जहां पे बॉबी लेशली कोफी किंगस्टन को WWE चैंपियनशिप मैच में फेस करेंगे। दोस्तों ये बात कंफर्म हो चुकी कि आने वाले मंडे नाइट रॉ पे हमें गोल्डबर्ग की रिटर्न होती हुई दिखेगी और गोल्डबर्ग बॉबी लेशली को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए SummerSlam 2021 पे चैलेंज करेंगे। इसीलिए कोफी किंगस्टन वर्सेस बॉबी लेशली के मैच में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बॉबी लेशली हमें कोफी किंगस्टन को हरा के इस मैच को जीतते हुए दिखेंगे और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए दिखेंगे। पर सरप्राइज तो ये हो सकता है कि गोल्डबर्ग रॉ की जगह हमें MITV पेपर व्यू पे ही अपनी रिटर्न करते हुए दिखें और मैच के बाद बॉबी लेशली को स्पीयर मार के SummerSlam 2021 के लिए अभी से चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं, यानी कि बॉबी लेशली जीतेंगे, गोल्डबर्ग की रिटर्न हो सकती है, जिसके बाद गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेशली का SummerSlam 2021 का मैच होगा। इसके अलावा दोस्तों हमें द उसोस, स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस रे मिस्टीरियो एंड उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। रोमन रिंग्स तो ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियन है, क्या पूरी की पूरी गैंग हमें चैंपियन गोल्ड के साथ देखने को मिलेगी जब MITV खत्म होगा? दोस्तों इस मैच का रिजल्ट अभी से स्पॉइलर के तौर पे सामने आ रहा है कि हमें द उसोस, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के स्मैकडाउन के अगले टैग टीम चैंपियंस बनते हुए नजर आएंगे। मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि इस मैच में हमें रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप्स को द उसोस के खिलाफ ड्रॉप करने वाले हैं और हमें द ब्लडलाइन 2.0 पूरी की पूरी गोल्ड से सजी भी दिखेगी MITV इस पेपर व्यू के बाद। इसके अलावा दोस्तों मनी इन द बैंक 2021 पे हमें वुमेन्स कैटेगरी में MITV ब्रीफकेस के लिए एक लैटर मैच देखने को मिलेगा, जहां पे 4 फीमेल सुपरस्टार रॉ से और 4 फीमेल सुपरस्टार स्मैकडाउन से देखने को मिलेगी। यहां पे हमें ज़ेलिना वेगा, जिन्होंने रिसेंटली अपनी WWE में रिटर्न करी है, ऑस्का फॉर्मर चैंपियन नायोमी एलेक्सा ब्लिस, जो एक नए रूप के साथ MITV पे अपनी अपीयरेंस दे सकती हैं, निकी क्रॉस, लिम मॉर्गन, नटालिया और तमीना देखने को मिलेगी। इन 8 सुपरस्टार में से कोई एक सुपरस्टार हमें ब्रीफकेस जीतता हुआ दिखेगा, जिसके बाद वो रॉ या स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप पे कभी भी कैश इन कर सकता है। दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि इस मैच को हमें एलेक्सा ब्लिस जीतती हुई दिखेगी या कोई सुपरस्टार लिम मॉर्गन को रिप्लेस करेगा और वो ही सुपरस्टार MITV वुमेन कैटेगरी में जीतेगा, यानी कि एलेक्सा ब्लिस या कोई सुपरस्टार जो लिम मॉर्गन को रिप्लेस करे, जैसे कि बैकी लिंच या खुद सोनिया डेविल। यानी कि दोस्तों हमें बैकी लिंच की रिटर्न भी मनी इन द बैंक 2021 पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले से ही क्लियर कर दिया गया है कि बैकी लिंच हमें बैक स्टेज MITV पे देखने को मिलेगी, पर बहुत चांसेस हैं कि लिम मॉर्गन को सोनिया डेविल रिप्लेस करें, जिसके बाद सोनिया डेविल ये MITV ब्रीफकेस भी जीत जाए। इसके अलावा दोस्तों हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, जहां पे रिया रिपली भिड़ेंगी शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ। दोस्तों ये मैच भी बॉबी लेशली वर्सेस कोफी किंगस्टन का जैसा ही है। इस मैच में हमें रिया रिपली शार्लेट फ्लेयर को हरा के अपनी रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि रिया रिपली ने शार्लेट फ्लेयर को कई बार हरा दिया है और अब रिया रिपली को शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ अपना टाइटल ड्रॉप करवाना
बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा दोस्तों रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी हमें देखने को मिलेगा, जहां पे एजेस स्टाइल्स और ओमोस द वाइकिंग रेडर्स के खिलाफ अपनी रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड करेंगे। दोस्तों इस मैच में एजेस स्टाइल्स और ओमोस अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को द वाइकिंग रेडर्स के खिलाफ रिटेन करेंगे। इस मैच में द वाइकिंग रेडर्स के जीतने के चांसेस लगभग जीरो है। इसके अलावा दोस्तों हमें मनी इन द बैंक 2021 पेपर व्यू का सबसे बड़ा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, मेंस कैटेगरी का लैटर मैच MITB ब्रीफकेस के लिए, जहां पे केविन ओवंस, ड्रू मैकइंटायर, मैट रिडल, रेकोशे, जॉन मॉरिसन, बिग ई, नाकामुरा और सेथ रोलिंग एक दूसरे से भिड़ेंगे। दोस्तों रिसेंटली रूमर्स आए कि सेथ रोलिंग ये मैच जीत सकते हैं, पर मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि सेथ रोलिंग ये मैच नहीं जीतेंगे, सेथ रोलिंग को ये मैच हारना पड़ेगा। दोस्तों इस मैच को जीत सकते हैं बिग ई या दूसरा नाम जो सामने आया है ड्रू मैकइंटायर या मैट रिडल का। मेरी प्रिडिक्शन है इस मैच को हमें ड्रू मैकइंटायर जीतते हुए दिख सकते हैं, पर सेथ रोलिंग्स का ना जीतना अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मनी इन द बैंक 2021 के पेपर व्यू का मेन इवेंट है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां पे रोमन रिंग्स भिड़ेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज के खिलाफ। एज ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद रोमन रिंग्स को अनऑफिशियली टैप आउट करवा दिया था। रोमन रिंग्स को एज फिर से टैप आउट करवा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं मनी इन द बैंक 2021 पे, पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन में लगातार सेथ रोलिंग्स भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की डिमांड करते आए हैं, जो एज को दे दी गई। एज और रोमन रिंग्स और सेथ रोलिंग्स के बीच में हमें MITV पे कुछ जरूर देखने को मिलेगा। सेथ रोलिंग्स हारेंगे, जिसके बाद सेथ रोलिंग्स गुस्से में हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज पे अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद रोमन रिंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मनी इन द बैंक 2021 पे रिटेन करते हुए दिखेंगे और समर स्लैम 2021 का मैच बनेगा सेथ रोलिंग्स वर्सेस एज का, और रोमन रिंग्स का अपोनेंट अभी से जो रिवील करा जा रहा है उस सुपरस्टार का नाम है जॉन सीना। यानी कि मनी इन द बैंक 2021 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हमें सेथ रोलिंग्स की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, जिस वजह से रोमन रिंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे और रेटेड आर सुपरस्टार एज फिर से रोमन रिंग्स से अपना मैच हार जाएंगे। सेथ रोलिंग्स के अटैक करने की वजह से एज को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगेगा कि एज रोमन रिंग्स से कमजोर है, और रोमन रिंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेंगे, जिससे WWE दो बड़े मैचेस बना सकता है, रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना और साथ में सेथ रोलिंग्स वर्सेस एज का मैच समर स्लैम 2021 पे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रिंग्स अपनी एज के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे MITV पे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कुछ लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।